हमला शुरू हुए अब 10 दिन हो चुके हैं। इस हमले की वजह से इसराइल में अब तक 1400 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर किए गए पलटवार में मौतों का आंकड़ा अब 2500 के करीब पहुंच गया है। ये स्थिति तब है जब इसराइल की ओर से गाजा पर सिर्फ हवाई हमले किए गए। बताया गया है कि इसराइली सेना जल्द ही गाजा पर समुद्र और जमीनी मार्ग से भी हमला कर सकती है। इन स्थितियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को सतर्क रहने और गाजा में किसी तरह के कब्जे को गलत करार दिया है। बता दें कि इसराइल और हमास युद्ध के बीच फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटिस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को गाजा से भगाने वाले फलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनकी ये टिप्पणी तब आई जब इसराइल द्वारा उत्तरी गाजा के खिलाफ जमीनी अभियान शुरू करने की आशंका है, जो हमास के नियंत्रण में है। हमास और इसराइल के संघर्ष में अभी तक कई हजारों की जान जा चुकी है। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसराइल दावा कर रहा है कि हमास ने कई लोगों को बंधक बना लिया है।